जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की आज आ सकती है पहली लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक 55 नामों का हो सकता है ऐलान। रविवार को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों पर लगी मुहर। जाति जनगणना के बहाने राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। कहा, मोदी नहीं तो कोई अगला पीएम करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन को बताया राष्ट्रीय धर्म। कहा, भारत का एक ही धर्म है और वो सनातन धर्म है। भारत का एक ही धर्म है और सनातन धर्म है, यही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हरियाणा विधानसभा चुनावों की तारीख में बदलाव वाली मांग पर चुनाव आयोग का अब तक कोई फैसला नहीं। लंबी छुट्टियों की वजह से बीजेपी, आईएनएलडी और बिश्नोई समाज ने की है तारीख बदलने की मांग। महबूबा मुफ्ती के ऑफर पर उमर अब्दुल्ला ने कसा तंज। कहा, पीडीपी का घोषणा पत्र एनसी की 100% नकल। महबूबा हटाएं अपने सभी उम्मीदवार। दो दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने शर्तें मानने पर अपने उम्मीदवार हटाने की बात कही थी। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में आज फिर हो सकता है आरोपी संजय रॉय और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट। बीजेपी ने लोगों से की जन्माष्टमी पर मृतक डॉक्टर की याद में दीपक जलाने की अपील। आजकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का सीबीआई ने 13 घंटे खंगाला घर। मेडिकल कॉलेज में हुए करप्शन को लेकर हुई लंबी पूछताछ। आज पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। मथुरा से लेकर द्वारिकाधीश मंदिर तक जन्मोत्सव की भव्य तैयारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांके बिहारी का लिया आशीर्वाद। इसराइल ने की हिजबुल्ला पर ताबड़तोड़ बमबारी। हमले के बाद नेतन्याहू ने नसरल्ला और खामनेई को दी धमकी। कहा, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। ईरान ने भी कहा, लंबी चलेगी जंग। बांग्लादेश में एक बार फिर से प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुए हिंसक झड़प। ढाका में सचिवालय के पास झड़प में 40 लोग घायल। पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से